खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां बिछिया थाना पुलिस ने कनौजा गांव में दबिश देकर मौके पर 4000 कीमत का गांजा बरामद किया है। थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, मुखबिर की सूचना पर कनौजा गांव में दबिश दी गई थी, जहां एक महिला सोनिया साकेत के द्वारा घर पर ही गांजा की बिक्री की जा रही थी, जहां महिला के पास से 4000 कीमती 650 ग्राम मौके पर गांजा पुलिस ने बरामद किया है। वहीं पुलिस ने महिला के खिलाफ NDPS के तहत कार्यवाही की गई है। ग्राम कनौजा में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है एक महिला अपने किराने की दुकान से जो है गांजा बेचने का काम करती है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर जो है मौके पर रवाना किए गए और महिला के दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है उसकी दीवार में लटका हुआ एक थैला मिला, जिसमें जो है गांजा मिला। बाद तौल के जो है 650 ग्राम पाया गया और 650 ग्राम गांजा मिलने के बाद उसके विरुद्ध जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, ये गांजे की कितनी कीमत है? करीब 4000 के आसपास इसकी कीमत आके जा रही है जी। कार्रवाई की गई।